हाय, दिस इज शिल्पा एंड वेलकम टू फूड संसार। आज मैं लेकर आई हूँ दो तरीके के सैलेड्स, रशियन सैलेड और कॉर्न सैलेड, जो कि ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्न सैलेड बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक कप स्वीट कॉर्न लिया है। इसको गर्म पानी में डालकर एक मिनट के लिए बॉईल करके छान लूँगी। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें मैंने एक गाजर जिसको बारीक काट लिया था डालेंगे। बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न, एक शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया था। ध्यान रखना है कि सब्जियों को हम जितना बारीक काटेंगे हमारा सैलेड उतना ही टेस्टी लगेगा। एक खीरा, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। एक टमाटर जिसके सीड्स निकाल कर, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। थोड़ा सा धनिया पत्ता, वन फोर टीस्पून काली मिर्च, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टू टेबलस्पून फ्रेश नारियल जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, एक चम्मच नींबू और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सैलेड रेडी है और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बनाने में जितना सिंपल है, खाने में उतना ही टेस्टी और हेल्दी है। आई एम श्योर ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारी सेकंड रेसिपी है रशियन सैलेड, जिसके लिए मैंने एक पैन में लगभग 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून राई, 15 से 20 करी पत्ता डालकर, 1/2 कप मूंग लिया है जिसको स्प्राउट कर लिया था, डालकर इसको सोते करेंगे। इसको गलाने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब पानी डालकर इसको ढककर 1 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें 1/2 कप उबली हुई मटर ऐड करेंगे। मटर को बिल्कुल स्वीट कॉर्न की तरह ही बॉईल करना है। एक छोटी गाजर जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, एक शिमला मिर्च जिसको मैंने लंबी जूलियंस में काट लिया था। सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, हल्का हल्का सोते करना है। शिमला मिर्च को बीज निकालकर ही यूज़ करना है। ये मैंने 1/2 कप पत्ता गोभी, इसको भी मैंने बारीक और लंबा काट लिया था, ऐड करेंगे। 1/2 कप हरी प्याज बारीक कटी हुई, 1/2 फ्लेम को सिमी रखना है। ये मैंने 1/2 कप मूंगफली ली है जिसको रोस्ट करके मैंने दरदरा पीस लिया था।
ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का मोटा ही रखना है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून चीनी, हाफ टी स्पून चाट मसाला, पिंच ऑफ गरम मसाला, थ्री टू फोर ड्रॉप सोया सॉस की ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता, रेड चिल्ली सॉस 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बस ध्यान रखना है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। वन टीस्पून नींबू का जूस, थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स हाफ टी स्पून लगभग डालकर इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा सैलेड रेडी है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं।